कल हमारा कौन सा पिगन है ना, बेबी पिगन, वो मर गया था यार। तो इनका हमने सोचना था, इनका पैर हमने किसके साथ लगाना है। हमने तो अभी बबलू और शेरू को खोला भी नहीं, उसको खोलू ना यहाँ पर। तो ये मैं कहता हूँ ये वाला माहौल रहे ना। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, तो कैसे हैं आप सब लोग? ठीक हैं, उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग ठीक होंगे और खैरियत से होंगे। दोस्तों आज हमारे पास ना एक बहुत ही ना बैड न्यूज़ है। दोस्तों बैड न्यूज़ कहाँ पे है? बैड न्यूज़ दोस्तों है हमारे इस पिगन के सेटअप के अंदर, यहाँ पर एक बैड न्यूज़ है। वो दोस्तों क्या है? वो दोस्तों ये है कि यार कल हमारा कौन सा पिगन है ना, बेबी पिगन, वो मर गया था यार। परसों आपको बताया था उसको यार थोड़ा मसला परेशानी बनी हुई थी, तो मैंने उसको मेडिसिन दी थी लेकिन यार वो ठीक नहीं हो पाया। तो कल जैसे मैं सुबह उठा था तो ना मरा पड़ा था, फिर उसको ना मैंने बाइट फेंक दिया था। ठीक है, अभी मैं आपको दिखा नहीं सकता, बस केज के अंदर मैं दिखा सकता हूँ कि इधर मौजूद है कि नहीं है। ठीक है, अभी देखे ना यहाँ पर सारे कबूतर मौजूद हैं, लेकिन वो देखे ना नीचे भी देखे, देखे कोई चीज़ नहीं है यहाँ पे। हमारा बेबी पिगन नहीं रहा यार, एक ही पिगन था यार। मैंने बड़ा ट्राई किया, मैंने कहा यार उसको बचा लूँ, लेकिन क्या था अल्लाह की मर्जी, क्या करे यार, एक बेबी पिगन निकला और वो भी बड़ा होकर फिर मर गया। ठीक है, चलो यार कोई बात नहीं, अभी क्या करते हैं दोस्तों, सारे कबूतरों को बाहर निकालते हैं, उनको दाना वगैरह डालते हैं। ठीक है, चलो भाई, चलो शाबाश, अब बाहर चलो, चलो चलो शाबाश, चलो 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 सारे सारे, देखिए चलो शाबाश। अभी यहाँ पर ना दोस्तों सारे कबूतरों को ना दाना वगैरह डाल देते हैं, क्योंकि अभी आपको पता है मुर्गियां खोली तो मुर्गियों ने खाने देना नहीं है इनको, तो पहले इनको आज खिला लेते हैं ना, उसके बाद हम निकालेंगे अपने मुर्गियों को। ठीक है, ये लो भाई, ये आ गया तुम्हारा दाना, ये लो, इतना बहुत है, तुम यहाँ पर ना मजे से खाते रहो। उसके बाद दोस्तों इन सबको निकालेंगे, देखे ना कैसे मशल रहे हैं कि हमें भी निकालो, हमें निकालो, दाना डालो। लेकिन क्या है दोस्तों, ये कबूतरों को मारते हैं इस वजह से ना इनको निकालना नहीं है, जब हमारे पिगन अच्छे तरीके से खा लेंगे ना उसके बाद फिर इन सबको निकालेंगे, फिर ये होगा ना पिगन हमारे खा के साइड पर हो जाएंगे और फिर हमारे मुर्गे खाते रहेंगे। और दोस्तों आज ना एक बहुत ज़रूरी काम है, वो भी हमने करना है। वो करने से पहले ना क्या करते हैं, कबूतरों को यहाँ पर खाने देते हैं और हम चलते हैं मास्टर केज के अंदर और वहाँ की अपडेट लेते हैं कि क्या अपडेट है, क्या चेंजिंग वगैरह यहाँ पर आई है। दोस्तों मास्टर केज में मैं आ गया हूँ, इसमें ना अभी वैसे ही सीन चल रहा है, इसके अंदर बच्चे हैं और इनके अंदर अभी कुछ पता नहीं है बच्चे हैं कि नहीं है। तो यार यार चेक करने के लिए यार मैं रोज इसलिए चेक करता हूँ कि यार कोई मसला अगर बनता है ना, अगर कोई बच्चा मरता तो मैं उसका फोटो उठा दूँ, उसको बाहर फेंक दूँ। अगर वो ज़्यादा टाइम तक रहता है ना तो फिर क्या होता है, उससे बीमारी फैल जाती है और फिर बहुत मसला बनता है, फिर एक को नहीं फिर सबको लग जाती है। ठीक है, अभी यहाँ पर बारी बारी चेक करते हैं कि किसके अंदर अंडे हैं और किसके अंदर बच्चे हैं। ठीक है, पहले यहाँ से स्टार्ट करते हैं, ये देखिए माशाल्लाह वो भी कितना बड़ा हो गया, तीसरे वाला भी, ये देखिए माशाल्लाह काफी बड़े बड़े हो गए और फुल पर भी आ गए। अब तो इनको बाहर आ जाना चाहिए यार, और एक तो अंदर ही रहेगा, बाकी दो तो बाहर आ जाएंगे, माशाल्लाह काफी बड़े बड़े हो चुके हैं। अच्छी बात है यार, ये तो तीन पैरेट है ना, ये काफी अच्छी ग्रोथ भी कर रहे हैं और काफी बड़े बड़े भी हो गए हैं, और इंशाल्लाह एक दो दिन के अंदर ही बाहर आ भी जाएंगे। अब इनको बाहर आ जाना चाहिए था, अगर यार तीसरा भी बड़ा होता ना तो फीमेल ने इसको खुद ही बाहर निकाल देना था, लेकिन अभी तीसरा छोटा है, वैसे तीसरा वो बाहर नहीं निकाल रहे। ठीक है, अभी एक दो दिन के बाद इसको जो फ्लाई करने लाई देंगे और फिर बाहर आ जाएंगे। ठीक है, अब यहाँ पर देखते हैं कि यहाँ पर क्या सीन है यार, इधर एक बच्चा निकला था वो मर गया था। ठीक है, और यहाँ पर माशाल्लाह यार एक बच्चा निकल आया, एक और एक मर गया था और एक तीसरा दूसरा एक बच्चा और निकल आया। ठीक है, एक ये अल्लाह करे अब ये सही सलामत रहे। ठीक है, उस दिन दोस्त एक निकला था ना और वो मर गया था, और मैंने आपको बताया जिस तरतीब जिसने अंडे दिए ना उस तरतीब में फिर ये बच्चे निकालते रहे, और इतनी माशाल्लाह से एक और बच्चा निकाल लिया है। अब बारी है हमारी इस डोली की, इस डोली के अंदर क्या सिचुएशन है? तो इस डोली के अंदर कोई सिचुएशन नहीं है यार, इसके अंडे निकालने पड़ते हैं। ठीक है, इसके अंडे निकालते हैं, सबसे पहले की बैठी हुई यार इसके अंडे ना आज बाहर निकालते हैं ताकि यार दोबारा ये अंडे दे सके। ठीक है दोस्तों, ये अंडे मैंने निकाल लिए हैं यार, काफ़ी टाइम से ये पड़े हुए थे ऐसे और ये फर्टाइल भी नहीं है और सारे ख़राब ही ख़राब है, इसी वजह से ना हमारी फीमेल ना बच्चे निकाल नहीं रही थी। ठीक है, अब ये बाहर निकाल नहीं है ना, अब हमारी किधर की फीमेल वो बैठी गई, ये अब दोबारा अंडे देने लग जाएगी। ठीक है, बस ये अंडे की वजह से ना ये ऊपर बैठी रहती थी, अब क्या अंडे निकाल लिए ना, ओ गिर गया यार, किधर गया ये रहा अंडा, इसको ना थोड़ी देर के लिए यहाँ रख देते हैं, फिर इसको ना बाद, ओ ओ फिर गिर गया, इधर ये देखें
उसके बाद अंडे निकाल लिए, फिर ना दोबारा अंडे देगी, फिर दोबारा बच्चे निकालना शुरू कर देगी। अब बाकी डोली भी चेक करते हैं कोई प्रोग्रेस है कि नहीं है। ये डोली देखते हैं यार, इधर भी कुछ नहीं है। और ये कॉकटेल की डोली, इधर भी कुछ नहीं है। उसके बाद इधर भी कुछ नहीं है और इधर भी कुछ नहीं है। और डोली जो दोस्तों उसके अंदर कुछ भी नहीं है, वो ही है जो पहले थे बच्चे, और एक फीमेल का बच्चा मर गया तो उसने दोबारा नहीं निकाल लिया। बाकी और कोई खुशखबरी नहीं है हमारे लिए मास्टर के अंदर। लेकिन क्या है दोस्तों, आहिस्ता आहिस्ता सब बेहतर हो रहा है। लेकिन यार क्या है कि हमारे जो पिगन ब्रीड कर रहे थे ना, एक बच्चा निकाला था और वो भी बड़ा सा हो गया था, और बड़ा होके वो भी कल मर गया। अब हमारे पिगन के साइड में दोस्तों एक बच्चा भी नहीं है, ठीक है। सारे बड़े कबूतर ही हैं और कोई बच्चा नहीं है, ठीक है। अब इनको खाने पीने देते हैं, ठीक है, उसके बाद फिर निकालते हैं हम उनको। और दोस्तों जो हमने काम करना है आज, वो दोस्तों काम ये है कि दोस्तों दो दिन पहले ना हम चैंपियन मुर्गियां लेके आए थे। अगर आपको याद हो तो मैंने आपको दिखाई थी, मैं आपको फिर दिखाता हूँ। ये चैंपियन मुर्गियां अभी तक दोस्तों ये अलहदा ही हैं, किसी मुर्गे के साथ नहीं है, ठीक है। तो इनका हमने सोचना था, इनका पेड़ हमने किसके साथ लगाना है। हमारे पास दोस्तों दो ही मुर्गी हैं जिससे हम इनका पेड़ लगा सकते हैं। एक दोस्तों हमारा ये किंग है और एक दोस्तों ये हमारा ये जोगी है। तो हमने इसमें से डिसाइड करना था कि किसके साथ इनका पेड़ अच्छा लगेगा और किसके साथ ये अच्छी तरह से एडजस्ट हो पाएंगी। तो ये मुझे बताया तो यार किसी ने भी नहीं है, ठीक है। तो मैंने खुद ही डिसाइड किया इसका करना क्या है। करना ये है कि यार हमारे कौन से ये वाला मुर्गा ना, मैं आपको दिखाता हूँ कि अंदर चलो 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 शाबाश, ये देखें ओए बाहर अंदर चलो चलो शाबाश। ये हमारा कौन सा किंग है ना दोस्तों, ये देखिए माशाल्लाह। इसके साथ हमारी गुड़िया भी है और ये शिजुका भी है, ठीक है। इसके साथ ऑलरेडी ना टू फीमेल है और केज काफ़ी बड़ा है, और ये ना शिजुका और गुड़िया ना आपकी वो चैम्पियन मुर्गी को मारती भी हैं। तो यहाँ पर अगर छोड़ा ना दोस्तों तो इनका पेड़ कभी लग नहीं पाएगा, क्योंकि यार दो मुर्गियाँ ऑलरेडी उसके साथ हैं और वो जब मारती हैं ना तो फिर वो मुर्गी से दूर भाग जाती हैं। तो फिर ना ये चैम्पियन मुर्गियाँ ना मुर्गे से दूर ही रहती हैं। इसलिए मैंने ये डिसाइड किया कि यार हम ना इन मुर्गियों का पेड़ लगाएंगे अपने इस जोगी मुर्गे के साथ, और ये केज भी छोटा और जोगी मुर्गा अच्छे से एडजस्ट हो भी जाएगा। अभी क्या करते हैं दोस्तों, मुर्गियां पकड़ते हैं और जोगी के साथ छोड़ते हैं, फिर देखते हैं दो जोगी का क्या रद्द अमल होता है, जोगी इसको एक्सेप्ट करता है कि नहीं करता। चलो भाई पहले ना ओ, 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 तुम पहले आ जाओ, इधर आओ इधर आओ इधर आओ इधर आ जाओ। ये रे दोस्तों पहली मुर्गी, ये रे पहली मुर्गी, इसको ना इधर शिफ्ट कर देते हैं यार इसके साथ जोगी के साथ। चलो भाई ये गई इस मुर्गी साथ, ये देखे ना जोगी की मस्तियाँ, और बहुत जल्द ना ये एडजस्ट हो भी जाएंगी। एक छोड़ दिए ना, दूसरी पकड़ते हैं उसको भी छोड़ते हैं इसके साथ यार। ये दोस्तों दूसरी मुर्गी, इसको भी छोड़ते हैं इसके साथ, ये लो। अब देखते हैं कितनी देर तक इनका पेड़ लगेगा। अब ये दो मुर्गियां ना इसके साथ ही रहेंगी। अच्छी बात है यार, हमारे जोगी मुर्गी की भी शादी हो गई है, बहुत दूसरे मुर्गों की शादी हुई है, इसकी हमने करवाई नहीं थी, तो ये अच्छी बात है कि यार इसकी भी हमने शादी करवा दी है। इसको भी ना एक साथ ना दो तो बीवियाँ मिल गई हैं। अब देख बहुत जल्द इनका पेड़ लग जाएगा, ठीक है। देखे ना माशाल्लाह जोगी के साथ एडजस्ट हो भी रही है, देखे ना जोगी की माशाल्लाह मस्तियाँ, और ये एक्सेप्ट कर लेंगे जोगी को, देखें इनका पेड़ लग भी जाएगा, ठीक है। तो ये ठीक है यार, इनका पेड़ अच्छी बात है, ये लग जाएगा, ठीक है। अभी ना इनको बंद कर देते हैं। अभी दोस्तों हमारे कबूतरों ने काफ़ी खा पी लिया, ठीक है। अब क्या करते हैं, बारी बारी दोस्तों इनको भी निकालते हैं यार, ताकि ये भी थोड़ा खा पी लें यार, ये भी दो दिन से बंद नहीं है। चलो शाबाश निकलो, बड़ी जल्दी है, देखो जल्दी कितनी है इनको, और इन गुड़िया और ये पिकाचू को तो सबसे ज़्यादा जल्दी होती है निकलने की। ये कहते हैं बस केज खुले और हम फौरन निभाए निकल जाए, ये नहीं वेट करते, ठीक है। अब ये देखें उनको साइड पे डाल दिया भाई, तुम लोग साइड पे जाइए, देखे ना अफरा तफरी फैल जानी है। अब यहाँ पे हमारी गोना फोल भी ऐसी हैं और मुर्गियाँ भी ऐसी हैं, कभी कबूतर इधर भगाएंगी, कभी कबूतर को ना इधर भगाएंगी। यही वजह है दोस्तों कि मैं ना मुर्गियों और कबूतर को इकट्ठा नहीं खोलता, ठीक है। अब ये देखें ना बकदर मच जानी है यहाँ पे, अभी देखें ना ये देखें उनके काम, देखें ये बहुत चलाक है यार, ये ही सबको भगाती हैं, देखें ना इनके काम देखो ये वाली। और अभी हमने तो अभी बबलू और शेरू को खोला भी नहीं, उसको खोलूँ ना यहाँ पर, तो ये मैं कहता हूँ ये वाला माहौल रही ना, वो ऐसे शोर शराबा हो, कबूतर कहीं हो और वो कहीं हो,
इस वजह से इनको ना सबसे अलहदा ही खोलना है, मतलब कि जब हमारी सारी मुर्गियाँ खा पी के अंदर डाल देंगे ना, उसके बाद सबसे सेपरेट कौन सा है वो हमने बबलू और शेरू को खोलना है, ताकि यार ये बाकी को डिस्टर्ब ना करें। ठीक है, अभी सिर्फ यही यहाँ पर फिरे और यहाँ पर ना अच्छी तरीके दाना वगैरह खाते रहे। गब्बर को भी देख लेते हैं यार, गब्बर हमारा कैसा है, इधर आओ जरा ये देखें। गब्बर भी माशाल्लाह से उसकी बैक से क्रीज दोस्तों ना सारी मुकम्मल हो गई, सिर्फ फ्रंट से रह गई। देखिए माशाल्लाह कितना प्यारा हो गया, उसके कितने शाइनिंग वाले पैर आ गए हैं माशाल्लाह से, देखिए माशाल्लाह। और उसकी पूंछ मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है यार, ऐसे लगता है जैसे मोर की पूंछ है, ऐसे देखो ना खुली हुई ऐसे बड़ी बड़ी, और माशाल्लाह ये बहुत प्यारा लग रहा है। ठीक है, देखें माशाल्लाह। चले तुम यहीं पर है, इसको इसलिए बाहर नहीं निकालते यार, ये निकल के ना लड़ने लग जाता है, इसलिए यार तुम अंदर ही रहो, तुम बड़े बड़े बदमाश हो, इसको अंदर बंद ही करते हैं यार। इनको भी देखते हैं इनका क्या सीन है। ये रहे हमारे बबलू और शेरू, ये भी बड़े तेज हैं यार, ये भी ना बस कहते हैं बाहर निकालो और मुर्गियों के पीछे पड़ जाते हैं, इसलिए इनको निकालता नहीं हूँ। खास तौर पर ये कौन सा बबलू है ना, ये बहुत तेज है। ठीक है, और अभी माशाल्लाह से ना हमारा कौन सा ये शेरू है ना, ये अजाना भी देने लग गया, लेकिन अभी बबलू नहीं दे रहा। ठीक है, क्योंकि बबलू शेरू से डरता है। ठीक है, अभी देखना सात मुर्गा भी है, फिर भी ना हमारा कौन सा शेरू है ना अजाना देता कभी कभी। ठीक है, लेकिन हमारा बबलू अभी नहीं दे रहा, अभी अंदर ही रहो, तुम्हें बाद में ना बाहर निकालते हैं। ठीक है, अभी ना तुम लोग अंदर ही रहो, ऐसे सब कुछ बेहतर है यार, सब कुछ बेहतरीन है। मास्टर केस के अंदर हाँ बच्चे भी काफ़ी बेहतर है, बिल्कुल ठीक ठाक है, लेकिन यार हमारे कौन सा पिगन का सेटअप है ना, वहाँ पर मसला मसाइल हुआ है, जिसकी वजह से ना हमारा बेबी पिगन दोस्तों हमें छोड़ के चला गया है। चलो कोई नहीं यार, अब हमारे दोबारा कौन से पिगन बच्चे निकाल देंगे इंशाल्लाह ताला, और फिर इंशाल्लाह उसकी अच्छी केयर करेंगे और वो बहुत जल्द बड़े भी हो जाएंगे। ठीक है, और बाकी हमारे असील के सेटअप में सब कुछ बेहतर है दोस्तों। सबसे अच्छी बात दोस्तों जो वो है कि हमने अपने इस जोगी की शादी करवा दी है यार, ये देखें माशाल्लाह से। अब ना दोस्तों बहुत जल्द मैं आपको गुड न्यूज़ दिखाऊंगा कि इनका पैर लग गया और ये हमारी मुर्गियाँ ना अंडे देने लग गई, ये देखें माशाल्लाह। और इनका क्रॉस होगा ना तो कंपेरिजन बच्चों का बहुत अच्छा बनेगा। ठीक है, और ये देखिए माशाल्लाह, इंशाल्लाह लग जाएगा यार इनका पैर, बहुत जल्द लग जाएगा। सेट भी करके केज भी छोटा सा है और इसके अंदर ना ये अच्छे से ना एक साथ साथ रहेंगे, यानी कि ना क्लोज क्लोज रहेंगे, फिर ना बहुत जल्द पैर लग जाएगा। ठीक है दोस्तों, आपने मुझे ये लाजमी बताना कि हमें जोगी की शादी करवानी चाहिए थी या नहीं करवानी चाहिए थी, या कि हमने चैंपियन मुर्गियों को किंग के साथ छोड़ना था। तो ये आपने लाजमी बताना कि ये पैर ठीक रहेगा या इनका पैर किंग के साथ ठीक रहेगा, ये आपने लाजमी बताना। ठीक है तो दोस्तों, बस यही थी आज की हमारी वीडियो, उम्मीद है कि दोस्तों आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई है तो लाइक लाजमी कर दीजिएगा, और मेरे चैनल शहर में देहाती माहौल को सब्सक्राइब भी लाजमी कर दीजिएगा, और साथ बेल आइकन को लाजमी प्रेस कीजिएगा दोस्तों, ताकि दोस्तों में जो भी वीडियो भेजूँ आसानी आप तक पहुँचती रहे। दोस्तों मिलते हैं कल एक नई वीडियो के साथ, तब तक ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।